टैटू को धुवाना आपके शरीर के लिए कितना लाभदायक या कितना हानिकारक हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर गंगाराम हॉस्पिटल से त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एससी भरीचा। सर, जानना चाहूंगे, आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं टैटू ने एक नया ट्रेंड पकड़ा है, बड़ी संख्या में लोग टैटू को धुवा रहे हैं आजकल, कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स पर तो कुछ पूरे शरीर पर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? टैटूइंग कोई एक नई चीज नहीं है। इनफैक्ट इस काफ़ी टाइम से आप टाइम इमेमोरियल आप बहुत टाइम पहले से लोग अपना नाम लिखवाते थे बाजू के ऊपर, टैटू करवाते थे, या किसी का भी नाम लिखवाएंगे या किसी की शेप बनाएंगे। तो ये टैटूइंग कोई नई चीज़ नहीं है, बट अब थोड़ा सा उसका फैशन ज़्यादा हो गया है। कुछ तरह तरह की फोटोग्राफ्स टैटू करवा लेते हैं लोग, अपनी पूरी बॉडी पे करवाते हैं, कुछ चेस्ट पे करवा लेते हैं। सो थोड़ा सा उसका ट्रेंड अब मोर फ्रीक्वेंट हो गया है और काफ़ी लोग उसमें उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, मोर हार्मफुल या ठीक है सर, फैशन तो कोई हार्म नहीं है, किस तरह से? नहीं, वेल इट्स अ फैशन, वो तो एक फैशन ही है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं इसके, उसको अगर हम देखें तो कुछ तो उसके इमीडिएट हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। कि टैटूइंग बेसिकली टैटूइंग जब करते हैं तो एक नीडल का इस्तेमाल होता है, कि नीडल आपके स्किन के अंदर पियर्स करती है और उसके साथ साथ कुछ इंक डालते हैं जो कि टैटू बनाती है। एंड दैट इंक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, कोई रेड हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, जिस तरह के कॉम्बिनेशन टैटूइंग करवाते हैं लोग। तो उसमें अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस में अगर आप उसको टैटूइंग करवा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि कैसे करवाते हैं आप। तो एक इमीडिएट रिएक्शन, कभी भी आप नीडलिंग करेंगे आप स्किन के अंदर, तो एक इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें रेडनेस हो जाएगी, उसमें पेन हो सकती है, उसमें इचिंग हो सकती है। और बार बार अगर वही नीडल रिपीटेडली डिफरेंट लोगों में यूज़ की जा रही है मान लीजिए, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। जहाँ भी आप टैटूइंग करवाएंगे उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। थर्ड चीज़ है कि उसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं कभी कभी, जो इंक यूज़ करते हैं ये लोग, बेसिकली दीज आर मेटल्स, मेटालिक डाइज होती हैं, इंक्स होती हैं, उसमें मर्करी होती है, कैडमियम, क्रोम, लेड, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स लाने के लिए उसको मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मेटल्स से कभी कभी जो इंक यूज़ होती है उसके अंदर, उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे ही कुछ लोग टैटूज बनवा के आते हैं तो उसकी जैसे पूरी बाजू भी उसने यहाँ टैटू बनवा रखा है, तो जहाँ जहाँ पे टैटूइंग बनाई हुई है उसके पूरा शेप जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी और एकदम उसके ऊपर रिएक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। अगर वो लार्ज एरियाज़ के ऊपर टैटूइंग करवा रखी है तो नेचुरली जो रिएक्शन भी पूरी बॉडी के ऊपर लार्ज एरियाज़ के ऊपर हो सकता है वो। सो दिस एलर्जिक रिएक्शन जो हैं वो एक इमीडिएट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हो जाते हैं। सीरियस मतलब बैड इम्पैक्ट आपने कभी देखा है, कोई ऐसा केस आया है कि बिगड़ गया हो स्किन का, बुरा हाल हो, कुछ ऐसा केस आया कभी? ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो गई है एंड और एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो गया उसमें, तो कभी कभी जब वो हील होता है तो उसमें कीलोइड्स बन जाते हैं। कीलोइड होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ मास की इकट्ठी हो जाती है जहाँ जहाँ पे कीलोइड बनते हैं, जहाँ जहाँ पे टैटूइंग होएगा उसमें कीलोइड्स बन जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इमीडिएटली स्किन के अंदर जो इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल सर, लोग जो है अपनी पूरी बॉडी पर आजकल टैटू करवा लेते हैं, सर शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल सेफ है, जहां आप टैटू बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र होकर करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जो बिल्कुल सेफ है या वहां पे आप टैटू, अगर आई मीन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, हर एक इंसान का रिएक्शन जो है बॉडी का डिफरेंट होगा टू दीज इंक्स एंड टू दीज एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं। वो एलर्जिक रिएक्शंस भी हर एक को नहीं होते हैं। आप टैटूइंग 100 लोग करवाएंगे तो उसमें से 10 लोगों को रिएक्शन हो जाएगा, बट स्टिल 90% लोगों को कुछ नहीं होगा, दे वुड हैव दैट नॉर्मल कलर जो टैटू में है वो पड़ा रहेगा उसकी साथ। सर, जो इंक वगैरह यूज की जाती है वो भी अगर उसमें भी अगर कुछ केमिकल्स मिले हुए हों तो वो भी क्या रिएक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली केमिकल्स तो होते ही हैं उसके अंदर, दीज आर मेटल्स डिराइव्ड केमिकल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म, उनका लॉन्ग टर्म में उनका जो साइड इफेक्ट है वो, ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रोवन साइड इफेक्ट, बट
कभी कभी स्किन कैंसर्स का उसमें भी बताया गया है कि इफेक्ट आ सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो वो एक लॉन्ग साइड इफेक्ट है जो कि प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद हो सकता है इंक्स की वजह से. और दूसरा जो नुकसान और इम्पॉर्टेंट जो है इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट नीडलिंग जो पियर्सिंग करते हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि अगर वो इतने लोगों को कर रहे हैं और कहाँ पे आप करवा रहे हो, कोई इसका रेगुलेशन तो है नहीं, ना ही कोई उसमें कोई रेगुलेट करता है कि इंक में कितना केमिकल है, कितना मेटल है, कितना क्या है. अब वो एंड दोज नीडल्स आर बीइंग यूज्ड, एक शेयरिंग में करते हैं, कभी उसको कितना स्टेरलाइज किया है या नहीं किया है, तो उसमें ट्रांसमिशन ऑफ कुछ बीमारियों को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे HIV है फॉर एग्जांपल. अब HIV ट्रांसमिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. टैटूइंग आप करवाएंगे, मान लीजिए एक पर्सन को HIV है, अगर उसकी टैटूइंग करते हैं और वही नीडल अगर मान लीजिए दूसरे आदमी के ऊपर स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, तो नेचुरली चांसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन आर मोर. उसमें जैसे हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो सकती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, टेटनस एक जो हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, बट टेटनस अगेन कैन बी ट्रांसफर्ड. एंड दीज ये प्रॉब्लम्स कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी वजह से आई मीन दीज आर दी साइड इफेक्ट्स यू कैन से. सर, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि टैटू, हालांकि हम भी जानते हैं कि बहुत पहले भी किया जाता था और आज भी किया जाता है, तो पहले के ट्रेंड में और आज के ट्रेंड में आप किसे बेहतर मानते हैं और कितना फर्क देखते हैं? क्या ये जो टेक्नोलॉजी है टैटूइंग की, ये इम्प्रूव हुई है या ये वर्स होती जा रही है? वेल, टेक्नोलॉजीज स्पीकिंग तो इम्प्रूव ही होती है. इनफैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीत रहा है तो टेक्नोलॉजीज तो इम्प्रूव ही हो रही हैं. सो टेक्नोलॉजी वाइज आई डोंट थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसमें. तो प्रॉब्लम सिर्फ उसमें होता है कि आप स्टरलाइज्ड नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, कितने लोगों को एट ए टाइम आप कर रहे हैं, किस कंडीशंस के अंदर आप टैटूइंग करवा रहे हैं. तो इन सब चीज़ों का उनके इफेक्ट्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. तो सर, जब पहले जमाने में ये सब टैटूइंग कराया जाता था, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था कि स्टरलाइज होना चाहिए, नीडल रीयूज नहीं होनी चाहिए? नहीं, पहले जमाने में तो देखो ऐसी कोई बीमारियां भी नहीं होती थी, कोई HIV नहीं था किसी को. आज से 30 साल पहले तो HIV भी नहीं था. अब इस तरह की बीमारियां कोई थी भी नहीं, और इसका उनके कितने बैड इफेक्ट्स होते थे उस टाइम, होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे, क्योंकि उस टाइम तो बड़ा रफ मेथड यूज करते थे. पहले तो उसको इवन विदाउट क्लीनिंग दे वुड डू इट, बट डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो होते ही होंगे, उस टाइम भी होते होंगे साइड इफेक्ट्स. बिल्कुल, यानी आज आप ज्यादा बेहतर मानते हैं टेक्नोलॉजी. आज टेक्नोलॉजी वाइज टेक्निक्स अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली दे वुड बी बेटर, बट उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं दे डेफिनेटली वुड डिपेंड अपॉन कि किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं आप, कौन सी नीडल्स यूज कर रहे हैं, कौन से इंक्स यूज कर रहे हैं, और कितना डीप आप पियर्स कर रहे हैं स्किन के अंदर. अच्छा सर, शरीर का कोई हिस्सा जहां पर हमें टैटूइंग करानी ही नहीं चाहिए? शरीर के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे ये चेस्ट का हिस्सा है या शोल्डर्स का हिस्सा होता है, तो दीज आर मोर प्रोन टू डेवलप कीलोइड्स. कीलोइड्स होते हैं जो स्कार्स, थिक स्कार्स बन जाते हैं. तो जो थिक स्कार्स होते हैं वो इन एरियाज के ऊपर कॉमन होते हैं ज्यादा, इवन अदरवाइज ऑल्सो. टैटूइंग नहीं भी है तो भी अगर कीलोइड किसी को बना, किसी की बॉडी में एक टेंडेंसी होती है कीलोइड्स बनने की, तो दे आर मोर ऑफन सीन ऑन जैसे चेस्ट पे है, शोल्डर्स पे है. सो इन एरियाज के ऊपर आप अगर करवाएंगे टैटूज तो चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स मे बी मोर रादर देन दी अदर एरियाज. थैंक यू सर उनसे बात करने के लिए. तो यहाँ पर टैटूइंग सेफ जरूर है, तकनीकी तौर पर बात करें तो जरूर बेहतरी हुई है, लेकिन उतने ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी इसके बढ़ते गए हैं अगर सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक ये टैटूइंग नहीं की जाती है. तो ऐसे में सावधान रहें, सचेत रहें. अगर आप इस फैशन के साथ टैटूइंग कराना चाहते हैं तो पहले देख लें कि जिसके पास आप, जिस आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, वहां पर कितनी सफाई बरती जा रही है. कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली.